हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 300 इंडियन इकोनॉमी एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 1। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। इट विल बी ट्रू टू क्लासिफाई इंडिया एज, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फूड डेफिसिट इकोनॉमी, ऑप्शन बी है ए लेबर सरप्लस इकोनॉमी, ऑप्शन सी है ए ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी, ऑप्शन डी है ए कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम इंडिया को, इंडियन इकोनॉमी को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, ए लेबर सरप्लस इकोनॉमी में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इट विल बी ट्रू टू क्लासिफाई इंडिया एज ए लेबर सरप्लस इकोनॉमी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट इन ग्रोथ ऑफ द कंट्री, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है सोशल बिहेवियर, ऑप्शन बी है नेचुरल रिसोर्स, ऑप्शन सी है एनर्जी रिसोर्स, ऑप्शन डी है कैपिटल रिसोर्स। तो सही आंसर क्या होगा? तो थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पे। जो फैक्टर डिटरमाइन करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, दो तरीके का होता है, एक होता है इकोनॉमिक फैक्टर और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या आता है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंक्लूडिंग एनर्जी रिसोर्स, फिर आता है लेबर फोर्स एंड पॉपुलेशन इकोनॉमिक फैक्टर में, कैपिटल इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, कैपिटल आउटपुट रेशियो, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब किस में आता है, इकोनॉमिक फैक्टर में आता है। और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आता है, जैसे हो गया सोशल कंपोनेंट, रिलीजियस कंपोनेंट, पॉलिटिकल कंपोनेंट, इंटरनेशनल कंपोनेंट, साइंटिफिक कंपोनेंट, ये सब किस में आता है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, जो नेचुरल रिसोर्स है, एनर्जी रिसोर्स, कैपिटल रिसोर्स, ये सब किस में आता है, इकोनॉमिक फैक्टर में आते हैं। और जो सोशल बिहेवियर होगा, ये किस में आएगा, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सोशल बिहेवियर। बाकी तीनों किस में है, बाकी तीनों है इकोनॉमिक एलिमेंट के अंदर आएंगे, ठीक है। और ये जो है सोशल बिहेवियर नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट में आएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑयल सेक्टर रिफॉर्म, ऑप्शन बी है पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म, ऑप्शन सी है लीगल सिस्टम रिफॉर्म, ऑप्शन डी है रिफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लीगल सिस्टम रिफॉर्म। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सेकंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, जो कि आइडेंटिफाइड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लीगल सिस्टम रिफॉर्म। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल इनकम इज, आपके पास ऑप्शन है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ऑप्शन बी है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ऑप्शन सी है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ऑप्शन डी है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लो, जो हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं, इसमें हम लोग जो GDP लेते हैं वो किस पे लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे, ना कि मार्केट प्राइस पे। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, मार्केट प्राइस है यहाँ पे मार्केट प्राइस है, ऑप्शन सी नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, जो हम लोग नेशनल इनकम में जो GDP लेते हैं फैक्टर कॉस्ट पे, इसका इसमें क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, GDP एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब हुआ कि इसमें हम लोग क्या घटाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। जो हम लोग नेशनल इनकम में GDP लेते हैं फैक्टर कॉस्ट पे, इसका मतलब हुआ इसमें हम लोग क्या घटाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा के सब्सिडी जोड़ देते हैं। और नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन करता है, तो NSO करती है। हमारे देश में नेशनल इनकम को कैलकुलेट कौन करता है, NSO। नेक्स्ट आते हैं, द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू द, आपके पास ऑप्शन है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, ऑप्शन बी है सम ऑफ टोटल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी है सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, ऑप्शन डी है मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, किसी भी देश का नेशनल इनकम
फॉर ए गिवन पीरियड किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू कैलकुलेट द जीडीपी? आपके पास ऑप्शन है प्रोडक्ट मेथड, ऑप्शन बी है डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड, ऑप्शन सी है इनकम मेथड, ऑप्शन डी है एक्सपेंडिचर मेथड, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, एक चीज से क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग? जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड से नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ये कोई मेथड नहीं है कैलकुलेट करने का जीडीपी। नेक्स्ट आते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आर, आपके पास ऑप्शन है वैल्यू मेजर ऑफ द नेशनल प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है वैल्यूएशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ऑप्शन सी है वैल्यू मेजर ऑफ एक्सपोर्ट, ऑप्शन डी है बोथ आर डिफरेंट, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है? वैल्यू मेजर ऑफ द नेशनल प्रोडक्शन होता है, तो ऑप्शन ए सही है आपका, लेकिन दोनों डिफरेंट होते हैं, तो ऑप्शन डी भी आपका यहाँ पे सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दो आंसर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आते हैं, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज, आपके पास ऑप्शन है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी है इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी है लो लेवल ऑफ सेविंग, ऑप्शन डी है नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑप्शन ई है नॉन ऑफ द अबव या मोर देन वन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में जो प्रॉब्लम है भारत में वो क्या है? नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू, हिंदू ग्रोथ रेट का किससे संबंध है? आपके पास ऑप्शन है मनी, ऑप्शन बी है जीडीपी, ऑप्शन सी है पॉपुलेशन, ऑप्शन डी है जीएनपी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जीडीपी से। नेक्स्ट आते हैं, अगर नेशनल इनकम होता तो नेशनल इनकम भी सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ, आपके पास ऑप्शन है डिफ्लेशन, ऑप्शन बी है इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी है स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन डी है हाइपर इन्फ्लेशन। तो जनरली क्या होता है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो पैसे भी आएंगे, ठीक है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, लोगों के पास पैसे आएंगे। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा जनरली, फिर अलग अलग केस, कुछ केस अलग होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इसमें आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज होगा। स्टैगफ्लेशन का कंडीशन क्या होता है, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा आर्थिक विकास ये डिक्रीज होगा, और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो स्टैगफ्लेशन है इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज करेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, एक तरफ टर्म गिवेन है और उस टर्म को सही से मोस्ट एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा सही है। मेल्ट डाउन फॉल इन स्टॉक प्राइस, दूसरा है रिसेशन फॉल इन ग्रोथ रेट, तीसरा है स्लो डाउन फॉल इन जीडीपी। तो यहाँ पे आपके पास विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज या आर करेक्टली मैच, कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? आपके पास ऑप्शन है वन ओनली, ऑप्शन बी है टू एंड थ्री, ऑप्शन सी है वन एंड थ्री, ऑप्शन डी है वन टू एंड थ्री। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा,
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केवल पहला सही है। कौन सा? मेल्टडाउन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वन वनली। मेल्टडाउन का मतलब क्या होता है? फॉल इन स्टॉक प्राइस। मेल्टडाउन का मतलब क्या होता है? फॉल इन स्टॉक प्राइस। नेक्स्ट आते हैं, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है सब्सटेंशियल चेंजेज इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, ऑप्शन बी है द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज, ऑप्शन सी है डूइंग अवे विथ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी है सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन टैक्स रेट। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भारत में किसके साथ स्टार्ट हुआ था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सब्सटेंशियल चेंजेज इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं, विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल एंड रिफॉर्म्स इन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी ए चेंज इन पॉपुलेशन, ऑप्शन सी है डिवीजन ऑफ लेबर इन स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज, ऑप्शन डी है टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? जो देखो, ये पहला जो है मेजर फैक्टर कॉस्ट है, चेंज इन पॉपुलेशन भी होगा मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डिवीजन ऑफ लेबर इन स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी ये भी होगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। नेक्स्ट आते हैं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, ऑप्शन बी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन सी है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन डी है पर कैपिटा प्रोडक्ट। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पर कैपिटा प्रोडक्ट। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स पर कैपिटा प्रोडक्ट। और यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है आपको, जो पर कैपिटा इनकम जो होता है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा? पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट आते हैं, द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस इज हायर देन डेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस बिकॉज द लेटर टैक्स इन टू अकाउंट द रेट ऑफ। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो तो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम होता है करेंट प्राइस पे, वो क्या होता है? हायर होता है। किसे? पर कैपिटा इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस बिकॉज द लेटर टैक्स इन टू अकाउंट द रेट ऑफ। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्शन बी है इंक्रीज इन प्राइस लेवल, ऑप्शन सी है ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई, ऑप्शन डी है इंक्रीज इन वेज रेट। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंक्रीज इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल तो जनरली इंक्रीज ही होता है ना, इन्फ्लेशन तो इंक्रीज करेगा तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज करेगा। तो जो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम होता है करेंट प्राइस पे, वो क्या होगा? हायर होता है देन डेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस, जो हम लोग बेस ईयर पे लेते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंक्रीज इन प्राइस लेवल। नेक्स्ट आते हैं, द इकोनॉमिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिटरमाइन नेशनल इनकम इन इंडिया। वो कौन पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिकली डिटरमाइन नेशनल इनकम इन इंडिया, भारत में नेशनल इनकम को डिटरमाइन किया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है डीआर गडगिल, ऑप्शन बी है VK RV Rao, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है YV Alag, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, VK RV Rao, द इकोनॉमिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिटरमाइन नेशनल इनकम इन इंडिया। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, VK RV Rao। और वैसे सबसे पहले कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट आते हैं, एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस ईयर इज बींग यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 2011-12, ऑप्शन बी है 2004-05, ऑप्शन सी है 2007-08, ऑप्शन डी है 2009-10। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2011-12।
मैं एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, उसमें मैंने समझाया है कि बेस ईयर क्या होता है, करेंट ईयर क्या होता है, और काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 2011-12। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस ड्यूरिंग ए ईयर, ऑप्शन बी है ए सस्टेन इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन सी है एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस ओवर टाइम, ऑप्शन डी है एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एलोंग विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ए सस्टेन इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का साइन क्या है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ए सस्टेन इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, ये किसका साइन है, इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, द मेन रीजन फॉर लो ग्रोथ रेट इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ हाई रेट ऑफ सेविंग एंड कैपिटल इंफॉर्मेशन इज। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि हमारे देश में लो ग्रोथ रेट का कारण क्या है, जबकि हमारे यहाँ हाई रेट ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन भी है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल इंफॉर्मेशन, यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है हाई बर्थ रेट, ऑप्शन बी है लो लेवल ऑफ फॉरेन एड, ऑप्शन सी है लो कैपिटल आउटपुट रेशियो, ऑप्शन डी है हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब थोड़ा ध्यान दो, कैपिटल आउटपुट रेशियो लो होने का मतलब क्या है कि वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल कम रिक्वायर्ड हो रहा है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो ये तो अच्छी बात है ना कि लो कैपिटल आउटपुट रेशियो हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या है, द मेन रीज़न फॉर लो ग्रोथ रेट इन इंडिया, और अगर हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हाई कैपिटल चाहिए, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, ये अच्छा नहीं होता इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ये तो मैंने प्रैक्टिकल तरीके से समझाया है, और एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, जी क्रॉस सी इक्वल टू एस। जी का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ, सी का मतलब क्या हुआ, कैपिटल आउटपुट रेशियो, और एस का मतलब क्या हुआ, सेविंग, ठीक है, तो सेविंग भी है, लेकिन जो कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर लो हाई होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आपका लो हो जाएगा, और जब कैपिटल आउटपुट रेशियो लो होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, ग्रोथ रेट हाई होगा। तो इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लो, जी क्रॉस सी इक्वल टू एस। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ऑप्शन बी है लोअर पर कैपिटल इनकम, ऑप्शन सी है लो रेट ऑफ कैपिटल, ऑप्शन डी है लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्स। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।